रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। घूस लेते हुए लेखपाल गिरफ्तार। वाराणसी में किसान से मांग रहा था 8,000 रुपए, एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और दयाशंकर सिंह ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बिजनौर में सीएम योगी ने विद्युत कुटी में रखा कदम, महात्मा विदुर को दिया नमन, वृद्धों से बात कर जाना उनका हाल। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीएड की छात्रा ने किया सुइसाइड, हॉस्टल में मिली लाश। आगरा में डेंगू की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया, स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का इंतजार। मिर्जापुर में शिक्षिका का निलंबन, बीएसए ने माना कंपोजिट विद्यालय में गुटबंदी विवाद टालने के लिए किया तबादला। जौनपुर में देर रात बीजेपी नेता अजय शंकर दुबे का हुआ एक्सीडेंट, शीशम के पेड़ से टकरा कर गाड़ी 10 फीट खाई में गिरी। जालौन में मजदूर की झोपड़ी में लगी आग, मौके पर नहीं आई दमकल की गाड़ियां, झोपड़ी के साथ सामान भी हुआ राख। रायबरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक राम नरेश रावत का निधन, दिल्ली में चल रहा था इलाज, 2 महीने से चल रहे थे बीमार। बीएमएस की कॉपी बदलने में दिल्ली का डॉक्टर गिरफ्तार, आगरा यूनिवर्सिटी के कई बाबू भी रडार पर, पुलिस जोड़ रही कड़ी से कड़ी। सोनभद्र में पाइप से लटका मिला विवाहिता का शव, लड़की के पिता बोले दामाद बुलेट और टीवी मांग रहा था। सहारनपुर में पहली बार एक साथ 900 हिस्ट्री सीटर एक साथ होंगे जमा, पुलिस लाइन में संकल्प शिविर में अपराध न करने की खाएंगे कसम। बुलंदशहर में मनरेगा में हो रहा भ्रष्टाचार की पोल खोलने पहुंची लेखपाल, विकास कार्यों में कई तरह की गड़बड़ियां आई सामने। अमरोहा में खोखे में लगी आग, 1,000 रुपए का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ी ने आधे घंटे में पाया काबू। बुलंदशहर के परिवार ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, दबंगों से परेशान बोले कोतवाल हमारी हत्या करना चाहते हैं। बेटी को मां बाप ने जिंदा नहर में फेंका, मेरठ में खुद थाने में दर्ज कराई अपहरण की रिपोर्ट। गोंडा में जलापूर्ति में हो रही लापरवाही, कार्यदायी संस्था को 15 दिन का दिया गया समय, सांसद की नाराजगी पर पहुंचे अधिकारी। कौशाम्बी में 200 साल पुराने मंदिर में हिंदू संगठन ने की पूजा, मंदिर को हरे रंग से पोते जाने पर जताई नाराजगी, 1629 में बना था शिवालय। लखीमपुर खीरी में राकेश टिकैत पर मुकदमा दर्ज, भाजपा नेता की तहरीर पर हुई कार्रवाई, पुलिस का मामला छिपाने का आरोप। कांग्रेस की हल्ला बोल पर केशव का पलटवार, डिप्टी सीएम ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कांग्रेस अंत की ओर है। अयोध्या पहुंची मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, रामलला का दर्शन कर समीक्षा बैठक करेंगे, राम कथा पार्क में कारों का किया निरीक्षण। कानपुर देहात में गौरक्षक का शव मंदिर में खूंटी से लटका मिला, परिजनों ने किया हंगामा, बोले हत्या की मिली थी धमकी। जालौन पहुंचे सांसद भानु प्रताप वर्मा, बोले अल्पसंख्यक समाज की तरक्की से बाधा बन रहे हो वैसी। चंपारण रेस्टोरेंट के मालिक पर लूट का मुकदमा, वाराणसी में अधिवक्ता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। थाने में रात भर धरने पर बैठे सपा विधायक, चंदौली के बलुआ थाना अध्यक्ष पर फोन नहीं उठाने का आरोप। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, स्कॉर्पियो में लाद कर बछड़े को काटने ले जा रहे थे 5 गौतस्कर। आगरा में नशेबाज दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को पीटा, गाली गलौज से मना करने पर किया हमला, लोहे की रॉड से पीटा। मैनपुरी में हनुमान बने युवक की मंच पर मौत, गणेश उत्सव में राम भजन पर डांस करते करते गिर गया फिर उठा ही नहीं। पोलिंग बूथ में बवाल पर थानेदार सस्पेंड, इटावा में प्रधानी के उपचुनाव में दो पक्षों
में मारपीट हो रही थी। बाराबंकी में मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की जमकर पिटाई, बच्चा चोर बताकर युवक ने घटना को दिया अंजाम। औरैया में डग्गा मार वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, पीटीओ रेहाना बानो ने 3 स्लीपर बसों को किया सीज। बिजनौर दौरे पर आए सीएम योगी, सीएम योगी निर्माणधीन महात्मा विदुर राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में हरियाणा के गौरक्षा दल ने पुलिस की मदद से गौवंशों से भरा ट्रक पकड़ा, मौके से गौ तस्कर गिरफ्तार। औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद, पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम योगी का बिजनौर दौरा, 235 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, कहा अब यूपी में दंगा नहीं होता। औरैया में व्यापारी से 2 लाख की लूट, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस, मौके पर बुलेट मोटरसाइकिल छोड़ हुए फरार लुटेरे। एक बार फिर देवरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी कमलेश प्रताप का मकान कुर्क। फिरोजाबाद में चोरों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम, मंदिर से लाखों रुपए के आभूषण सहित 2 मूर्तियों को चोरी कर दिया घटना को अंजाम। गाजीपुर पहुंचे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव का बड़ा बयान, कहा योगी सरकार माफिया और गुंडों को नहीं छोड़ने वाली। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच व पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, अफीम सहित अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर नगर निगम के 50 वार्डों के नाम बदले जाने से मचा हड़कंप, मुस्लिम पार्षदों ने किया विरोध। कानपुर के गणेश महोत्सव में गंगा की सफाई की गई अपील, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्लीन कानपुर का जनता को दिया संदेश। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, सीएससी डॉक्टर की बजाय वार्ड बॉय चला रहे अस्पताल। कुशीनगर में छात्रा पर ब्लेड से हमला, पीड़ित के परिवार ने रामकोला थाने में दी तहरीर। लखीमपुर खीरी में युवक पर शांति भंग करने का लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी पर नहीं की कार्रवाई, पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार। मथुरा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने ससुराली पर हत्या का लगाया आरोप। प्रयागराज के खिलाड़ियों ने बढ़ाया यूपी का नाम, कराटे प्रतियोगिता में जीते 28 पदक। मथुरा के बरसाना में धूमधाम से मनाई गई राधा अष्टमी, ब्रज की अधिशास्त्री राधा रानी जी के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में बाढ़ की मार के बाद लोगों पर हरी सब्जियों की मार, संबल में चोरों के हौसले बुलंद, नबीना परिवार होने का फायदा उठाकर लाखों रुपए की चोरी कर चोर हुए फरार। सुल्तानपुर के आप सांसद व पूर्व सपा विधायक पर आरोप तय, एमपी एमएलए कोर्ट ने कुल 14 पर तय किए आरोप। संबल में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में बसपा ने जिला कार्यालय में की बैठक। बदायूं में भांजी को लेकर जा रहे मामा को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा, पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दी तहरीर। बुलंदशहर में बीमारी से त्रस्त होकर पीएससी के जवान ने की आत्महत्या, पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर एकत्र किए साक्ष्य। गोंडा खतरे के लाल निशान से ऊपर घाघरा, सैकड़ों घर डूबा, गांव से शहर को जोड़ने वाली मार्ग नदियों में तब्दील। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने परिवार पर किया हमला, हमले में घायल अधेड़ की मौत, 4 जिला अस्पताल में भर्ती। कानपुर में रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में लगी आग, ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लखनऊ में एसटीएफ ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 9 तस्कर को किया गिरफ्तार, 3,75,00,000 कीमत का गांजा बरामद। गोंडा में चोरी का आरोप लगाकर खंभे से बांधकर की जमकर पिटाई, तालिबानी सजा का वीडियो अब सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
लखनऊ में शहीदों के हौसले बुलंद, जन्मदिन कार्यक्रम में चल रही फायरिंग वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेश महोत्सव में चल रहा अश्लील डांस का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के मुंशी पुलिया में पुलिस और दारूबाज के बीच हुई झड़प, सिगरेट को लेकर हुई झड़प। मथुरा में एसटीएफ नोएडा से गांजे से भरा कंटेनर को किया जब्त, साथ ही गांजा तस्कर गिरफ्तार। उन्नाव में बीच तिराहे पर धू कर जली बाइक, अज्ञात कारणों से पल्सर बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने कूद कर बचाई जान। लखनऊ में सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, आग लगने से बाइक जलकर हुई राख। सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, आंगनबाड़ी केंद्र और घुटने पर बैठकर बच्चों से की वार्ता, खिलाई खीर। मेरठ में गोकशी पर विहिप कार्यकर्ता धरने पर बैठे, 10 गौवंश के अवशेष मिले, पुलिस ने बुलडोजर से गड्ढा खोदवाकर दबवाया। मथुरा में चैन स्नैचिंग की लाइन वारदात, सीसीटीवी कैद में कैद हुई घटना, 3 सेकंड में दिया वारदात को अंजाम। मुजफ्फरनगर के दधेड़ खुर्द में राशन ना मिलने पर हंगामा, अंगूठा लगवाकर भी राशन ना देने का आरोप। आगरा में व्हीलचेयर पर बैठे बीमार कैदी फरार, एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार को लाई थी कासगंज पुलिस। पीलीभीत में मगरमच्छ के हमले से महिला घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता की बहू का फंदे पर लटकता मिला शव, मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बस्ती में डीएम की स्थलीय निरीक्षण में मिली खामियां, 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। महोबा में घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा, दबंग पड़ोसियों ने की गुंडागर्दी, कोतवाली पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। ललितपुर के जैन मंदिर में पार्श्वनाथ की मूर्ति सहित 16 मूर्तियां चोरी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फिलहाल 75 जिले की 75 खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।